जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में कोविड पेशेंट्स के इलाज की बेहतर व्यवस्था की गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया सहयोगी राजीव गौड़ ने। कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कोरोना वायरस से पीड़ित है और जिस तरीके से खुद वहाँ बैठ कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो अपने आप में देखिए कि बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब सूबे का चीफ मिनिस्टर खुद कोशिश कर रहा है, ऐसे में ग्राउंड पर क्या हालात हैं, किन चीज़ों की कमी है, अस्पताल प्रशासन किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, मरीजों को कैसे सुरक्षित प्रदान करने के लिए को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त जो पैनल में बात करें तो राजश्री बोहरा जो कि यहाँ की अधीक्षक है लगातार वो कोशिश कर रही है कि एक मिनट के लिए भी वो फ्री नहीं बैठती है, सबको साथ लेकर चलती है। अगर बात करें डॉक्टर योगीराज की तो तमाम जो व्यवस्था है वो डॉक्टर योगीराज देख रहे हैं। नरपत सिंह की बात करें तो अधीक्षक है यहाँ के नर्सिंग, वो नर्सिंग ड्यूटी कैसे दे सकते हैं, उसके साथ भी सिक्योरिटी, इसके अलावा आम जनता भी हमारे साथ राजश्री बोहरा से बात करें तो किस तरह से इस वक्त अगर देखें तो कुल मरीज आपके यहाँ पर संख्या कितनी है और कोविड मरीजों को कैसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं? लगातार मरीज आते रहते हैं पूरे 24 घंटे, चाहे सुबह से लेकर रात तक। ये हालत होती है कि इमरजेंसी भी जो 22 वार्ड का इमरजेंसी है वो भी फुल रहता है और आगे आईसीयू जो है हमारा वो 45 बेड का आईसीयू है वो भी फुल रहता है। जो भी मरीज आता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसा कोई भी मरीज नहीं आता कि उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं। अभी 80% मरीज कोई मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स वाले आ रहे हैं, उन्हें भर्ती की सख्त ज़रूरत होती है। लगातार कोशिश रहती है कि उनको बेड उपलब्ध कराया जाए और जो भी थोड़े बहुत ठीक होते हैं उनको डिस्चार्ज हो ताकि सीरियस मरीज को बेड मिले। कितनी सेटिस्फाइड है जो व्यवस्थाएं आपके द्वारा, आपकी टीम द्वारा, सरकार द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है उसे? सरकार द्वारा और हमारे यहाँ की टीम द्वारा जो भी व्यवस्था है वो उससे मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, क्योंकि कोई भी मरीज को एक प्रिलिमिनरी इलाज जरूर मिल जाता है। हो सकता है हम आईसीयू का हर मरीज को नहीं दे पाए फायदा, लेकिन ऑक्सीजन उनको जरूर दे दी जाती है और जहाँ तक हो सके 99% को बेड की भी व्यवस्था कर दी जाती है, चाहे वो स्ट्रेचर पर दो चाहे वो बेड दो, हम उसे नेग्लेक्टेड नहीं छोड़ते। प्रशासन द्वारा दिया जा रहा है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में दिया रहा है, रेगुलर सप्लाई चल रही है सिलेंडर के माध्यम से और लिक्विड ऑक्सीजन के माध्यम से भी, कंटिन्यूस उनके द्वारा दी जा रही है, उनका पूरा सहयोग रहेगा प्रशासन का और मैं उससे काफ़ी संतुष्ट हूँ कि ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई समस्या अभी तक इस अस्पताल में उत्पन्न नहीं हुई है। जहाँ तक कमियों की बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि आपूर्ति और जो कंजप्शन है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा तालमेल है। मरीजों की जहाँ तक स्थिति का सवाल है, जिस तरीके से मरीजों को ऑक्सीजन दी जानी चाहिए उस तरीके से जितना प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर हम मेंटेन कर पा रहे हैं। लगातार हमारे पास लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का जो टैंकर है वो नियमित रूप से पहुँच रहा है। यहाँ पर जो लोकल ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी लगातार बराबर है। मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए प्रशासन की जो भी यूनिट्स हैं सभी का एक अच्छा समन्वय है, अच्छा सहयोग है। लेकिन कहते हैं कि अब जब 1.5 करोड़ का जो लागत वाला ऑक्सीजन प्लांट डेवलप हो जाएगा उसके बाद कैसी तस्वीर होगी? तस्वीर इस तरीके से होगी कि जो चेन मरीजों की जो बन रही है उस मरीजों की चेन को तोड़ने में ये जो प्लांट लगेगा उसमें काफ़ी राहत मिलेगी। वो राहत इस सिलसिले में कि जो आपूर्ति है अभी जो चल रही है उससे भी बेहतरीन आपूर्ति हो पाएगी। हमारे यहाँ 400 स्टाफ लगे हुए हैं और सभी अलग अलग भारी बराबर हिसाब से काम कर रहे हैं। सबसे पहले मरीज जो आते हैं उसको सांत्वना देते हैं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और जैसे बेड की व्यवस्था होता है बेड कर देते हैं, ऑक्सीजन की फुल व्यवस्था रखते हैं और मैन तो उसको थोड़ा हौसला अफजाई करते हैं ताकि उसको कॉन्फिडेंस बढ़े खुद का। बाकी जो भी नर्सिंग चाहिए वकील सब करवाते हैं, फिजिकल करवाते हैं, टेस्ट फिजिकल करवाते हैं, उससे 70% रेज होता है। बाकी मेडिसिन टाइम टू टाइम दो उसके साथ रहता है, हाथों को सैनिटाइज करके एक पेशेंट के साथ एक रिश्तेदार रख के और मास्क के लिए बता के बताते हुए। आप लोगों को जब गाइड करते हैं तो आप पहले खुद का प्रिकॉशन रखते हैं कि आप खुद ने मास्क लगा रखा है? ये रखते हैं, हमारे सभी गार्ड्स ही रखते हैं। हमारे साथ एक राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं जो सुबह से शाम तक मरीजों को समझाते भी हैं मास्क लगाने के लिए। मिश्रा जी, किस तरीके से आप देखते हैं, कैसे कई बार लोग बहाना भी बनाते हैं, कई बार मानते भी नहीं हैं, ऐसे में कितना संयम रखना होता है, किस तरीके से काम करते हैं? ये जो मरीज आता ना कोरोना सर उनके साथ एक कला उसे जाना नहीं देते हैं, वो जीत करते
कोई हम सब जाते हैं भैया, मरीज ज़्यादा है, बीमार पड़ जाएगा, आप ही मरोगे, तो वो तो मर रही है बीमारी से, और आप मरोगे, आप क्यों जा रहे हो, तो आपको खाना देना, आप खाना दिए देखा चाहिए, और पास होता है जाओ, बिना पास हम अलो नहीं करते। लेकिन वो मंजर आप पिछले 3-4 दिनों से देख रहे कि एम्बुलेंस से खड़ी रहती है अंदर, चूँकि फूल हो चुका, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को बचना, खुद को भी बचना। वो ये कहता है साहब, अपना सैनिटाइज रखो, हाथ में मास्क रखिए, दूरी बना के रखिए, उस आप की भी बचत होगी, मरीज की भी देखभाल अच्छी होगी, फिर आओ साहब मरीज से जाओगे बात करोगे, मरीज नहीं मरता वो मर जाएगा। वो जहाँ तक मरीज बेड अगर फुल हैं तो वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिस्टम कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि जिस पेशेंट को एमरजेंसी बेड पर ले लिया गया है, अंदर जैसे ही बेड की वैकेंसी होती है उस पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करके, जो बाहर जैसे ये भैया वेट कर रहे हैं, जैसे ही अंदर से कोई एक पेशेंट इमरजेंसी बेड से वार्ड के बेड में शिफ्ट होगा, इनको तुरंत अंदर बुलाकर इनको ऑक्सीजन बेड पे लेके इनको ऑक्सीजन दी जाएगी। जहाँ तक ऑक्सीजन की आपूर्ति का जो सवाल है, जैसा मैंने बताया था, आपूर्ति प्रॉपर है, लेकिन एक बड़ा इश्यू ये है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीजन किसी भी तरीके से ख़राब हो रही हो, वेस्ट हो रही हो, वो हमें बचाने के लिए मरीज और मरीज़ के परिजनों का सहयोग बहुत आवश्यक है। जैसे कि एक मरीज चाय पी रहा है, पानी पी रहा है, खाना खा रहा है, या बाथरूम करने गया है, या टॉयलेट करने गया है, उस दौरान मरीज कुछ पल के लिए अपने पलंग को छोड़ के बाहर जाता है बाथरूम तक, या चलते ऑक्सीजन में से मास्क हटा के नाश्ता करता है, खाना खाता है और चाय पीता है। हमारा मरीज के परिजनों और वहाँ कार्यरत सभी नर्सेज से हम लगातार ये निवेदन करते हैं, लगातार आग्रह करते हैं, जब आपके ऑक्सीजन काम में नहीं आ रही हो उस टाइम आप ऑक्सीजन का रेगुलेटर बंद कर दें। तो आप देखिए कि बड़ी बात निकल करके सामने ये है, ऑक्सीजन इस वक्त प्राणवायु है, इंसान की ज़िंदगी को बचाने का सबसे बड़ा जरिया है। तो ऐसे में जब अस्पताल में मरीज को ऑक्सीजन कुछ देर के लिए हटाते हैं, चाय है, पानी है, दवाई है, वो जब लेते हैं तो कम से कम उस वक्त ऑक्सीजन को बंद कर दें, क्योंकि यही प्राणवायु इस वक्त लोगों को बचाने का काम कर रही है।